सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन पत्ती, इंडिगो तीन पत्ती ऐप के बारे में। अगर आप भी ये यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप से आपको जाना है बैक। ऐप से बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को आप ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ करना है स्क्रॉल और ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर करना है। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप को देख लेना है आप कहाँ पर है। ऊपर ही आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लियर डेटा का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डेटा कर लेना है क्लियर। डेटा क्लियर करने के बाद में ऐप से बैक जाना है, ऐप को करना है ओपन, वेट कर लेना है। ऐप को करना है ओपन, अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व। तो इसी टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।